Hello friends, welcome to HQ Economics classes. Friends, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बोमोल्स की इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस डिमांड की. आप ये ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, बहुत अजीब सा है, ऐसा लगता कि पता नहीं कितनी टफ थ्योरी है. लेकिन आपसे मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए और आपको पूरी नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, ए टू जेड नॉलेज मिलेगी. और जो थ्योरी आपको इतनी टफ लगती है पढ़ने में, वो बहुत इजी करके पढ़ाऊंगा आपको. क्यों? क्योंकि इस थ्योरी का जो मेन कंटेंट है वो कई थ्योरी से इंटरलिंक है. क्वांटिटी थ्योरी मनी, चाहे फिशर की थी या फ्रीडमैन की हो या कैम्ब्रिज की थी, हमने ट्रांस थ्योरी पढ़ी है. ये हमारी लास्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको इस मॉडल की. मैंने आपको ये बताया था कि जो केन्जियन थ्योरी थी, केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाई, उन्हें बोला कि कैश, कितना आदमी कैश रखेगा और कितना बैंक में रिजर्व रखेगा, वो डिपेंड करेगा मार्केट में स्पेकुलेटिव मोटिव और ट्रांजेक्शन मोटिव की. बात यहीं से स्टार्ट होती है कि बोमोल ने प्रूव किया है कि फ्रेंड्स, जो कीन्स कहता था कि ट्रांजेक्शन एंड प्रिक्योशनरी मोटिव होता है, ये दोनों मोटिव हमारे इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है. उसने बोला कि ये दो मोटिव है, ट्रांजेक्शन प्रोग्रेशनरी मोटिव, वाई के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आइदर इंक्रीज हो और आइदर डिक्रीज हो, देर इज नो इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शनरी मोटिव. ओके, इसी चीज को बोमोल ने पकड़ लिया और बोला कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक आदमी का जो ट्रांजेक्शन मोटिव होता है, जो कि प्रिक्योशनरी मोटिव होता है, वो कितना अपने पास कैश रखेगा, कितना ट्रांजेक्शन करेगा, ये भी इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक होता है. और इसी चीज को प्रूव करने के लिए उसने थ्योरी बनाई. अब आपको समझाता हूं. वो कहता है बोमोल ने एक चीज प्रूव किया कि इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है ट्रांजेक्शनरी मोटिव को. इसने बोला कि ट्रांजेक्शनरी मोटिव जो है इनकम के साथ पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है. लेकिन बोमोल मॉडल ने, बोमोल ने शो किया कि ट्रांजेक्शनरी मोटिव के साथ भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इफेक्ट करता है. और इसी ट्रांजेक्शनरी मोटिव में हमने ये प्रूव किया था कि मनी की डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ वाई. इन दोनों मोटिव के साथ हम यही प्रूव करके दिखाएंगे कि इन दोनों मोटिव के साथ भी इंटरेस्ट रेट का रिलेशन भी निगेटिव होता है. यही प्रूव करना है. इसीलिए इन्होंने इन्वेंट्रीज अप्रोचेस ट्रांजेक्शनरी थ्योरी बनाई. इन्वेंट्रीज की बात करेगा फ्रेंड, ठीक है? तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, पर इसके पहले आप मेरा वीडियो और सब्सक्राइब और सपोर्ट कर देना, लाइक कर लेना, ठीक है? चलिए हम अब बात करते हैं. वो कहता है बोमोल कि जो रीजन है, इसका रीजन क्या है. वो कहता है कि या तो आदमी कैश रखेगा, ठीक है, आदमी होल्डिंग कैश, अगर अपने पास वो कैश रखेगा तो उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी. जब उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट रेट है. फ्रेंड, ऐसा समझिए कि आपके पास अगर 1000 रुपये है और सारा का सारा पैसा आप कैश रखते हैं, सारा का सारा पैसा आप कैश रखेंगे तो होगा क्या, आपके पास लिक्विडिटी तो हाई रहेगी, कैश तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका लॉस क्या है, 1000 रखे हैं और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या किया, लॉस किया. यानी कि आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आप उस इंटरेस्ट रेट का लॉस कर रहे हैं जिसके आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता था. इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं इसी चीज को और प्रूव करता हूं. वो कहता है कि बोमोल का जो मॉडल है, ये कहता है कि ट्रेड ऑफ करेगा आदमी, ट्रेड ऑफ लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट में आदमी ट्रेड ऑफ करता है. वो ये सोचता है कि यार मैं कैश रखूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इसको बैंक में रखता हूँ, सेविंग करता हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा,
तो अब ये सोचता है यार कि मैं कितना कैश रखूं और कितना बैंक में रखूं, ये दो चीज़ें में ट्रेड ऑफ करता है। क्यों? क्योंकि अगर कैश ज़्यादा रखेगा तो बैंक में कम रखेगा, अगर बैंक में ज़्यादा रखेगा तो अपने पास कैश कम रखेगा। तो इन दोनों में जो ट्रेड ऑफ करता है उसे बोलते हैं फ्रेंड ट्रेड ऑफ लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट में ट्रेड ऑफ किया। अब और डिप जाइए, ट्रेड ऑफ करेगा फ्रेंड तो या तो वो कैश रखेगा और या तो सेविंग अकाउंट में रखेगा। जब वो कैश रखेगा फ्रेंड तो उसके कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, और अगर सेविंग अकाउंट में रखेगा तो उसको इंटरेस्ट रेट पेमेंट होगी, यानी कि उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, यानी कि अगर अपने पैसे को आपने अपने पास रखा है तो आपने एक अपॉर्चुनिटी का लॉस कर दिया जो आपको बैंक से मिलता, और अगर आप उस पैसे को बैंक में रख दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कहना चाहता है कि अगर आपने बैंक में नहीं रखा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस कर रहे हैं, और अगर आपने बैंक में रखा तो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम बोलते हैं फ्रेंड इंटरेस्ट रेट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। अब ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैश कितना रखेगा या सेविंग में रखेगा, इन दोनों को मैनेज करने के लिए वो ट्रेड ऑफ करेगा। और जब ट्रेड ऑफ करने के बाद आदमी या कोई भी पर्सन, दो सिचुएशन होती है, इन दोनों सिचुएशन में से जब एक पॉइंट पे पहुंचता है कि भैया हमें 10,000 में से 500 कैश रखेंगे, 500 डिपॉजिट करेंगे, तो ये हो जाता है उसका फाइनल एलोकेशन। तो हम कहना चाहते हैं कि ऑप्टिमम एलोकेशन, उसने डिसाइड कर लिया कि हम कुछ कैश रखेंगे और कुछ बैंक में रखेंगे, ये तो ऑप्टिमम एलोकेशन हो गया। इतना समझ आ गया? अब देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि सर आप तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कैसे डिसाइड करेगा कि कितना वो बैंक में रखेगा, कितना वो कैश रखेगा। तो इसके लिए एक थ्योरी है, हम मानते हैं फ्रेंड कि एवरेज, हम आपको एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं। मान के चलो आपकी इनकम साल की 12,000 है, 12,000 आपकी साल की इनकम है, इस और आपका जो पर मंथ का खर्चा है वो आपका 400 रुपये है, ठीक 400 आपका पर मंथ का खर्चा है और आपकी साल की इनकम 12,000 है, ओके ठीक है, नोट कर। तीसरा है, आपको बैंक में अगर पैसा रखेंगे तो 5% मिलेगा इंटरेस्ट रेट, ऐसा मान के चलो। तीन चीज़ें सामने दिया। अच्छा फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 12,000 एक बार में निकाल लिया, आपके पास पेमेंट आ गई, इनकम आ गई, तो आपकी इनकम 12,000 आ गई, ठीक है। मान के चलो आपको एक साल का पूरा पैसा मिल गया पहले, मान के पूरे साल की इनकम 12,000 हो गई। अब 12,000 रुपये को आप एक बार में निकाल लेते हैं बैंक से, चेक आपको मिला सैलरी का और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया चेक, आपके खाते में 12,000 रुपये आ गया। अब 12,000 रुपये को आप एक बार में निकाल लेते हैं पूरे साल भर की खर्चे के लिए, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसको एक बार बैंक में जा कर के चेक लगाएंगे, ठीक है, यानी कि आपको बैंक में चेक लगाने के बाद आपको एक बार जाना पड़ेगा, यानी कि मतलब होता है यहाँ पर कितनी बार आप बैंक जाते हैं। तो 12,000 में से आपने 12,000 निकाल लिया तो आपने एक बार भेज दिया, तो यानी कितना आ गया आपका? एक आ गया। फिर क्लियर, अगर आप उसका हाफ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? उसका हाफ पैसा निकाल लेते हैं, यानी कि आप 12,000 में से 6,000 निकालते हैं, तो आपको बैंक में कितनी बार जाना पड़ेगा फ्रेंड? दो बार जाना पड़ेगा, एक बार 6-6 महीने में आपको दो बार जाना पड़ेगा। तो एवरेज आपका 6,000 आ गया, 12,000 का एवरेज कितना आ गया आपका? 6,000 आ गया, क्योंकि आपको उसी पैसे को दो बार निकालने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एन अपॉन टू कर दिया। तीसरा लेते हैं, अगर आपने इसको एक बार में आपने 4,000 निकाला तो आपको कितनी बार जाना पड़ेगा? कितनी बार जाना पड़ेगा आपको? आपको 4 बार जाना पड़ेगा, याद रखना।
तो चार बार जाना पड़ेगा। अब आपको बताना चाहता हूँ कि आपके महीने की खर्चा कितनी है, 400 रुपये पर मंथ है। तो आपने 12,000 लाए में से 6,000 लाए थे, तो कितना चलेगा, आधा साल चलेगा, मतलब 6 महीने चलेगा। और अगर आप 4,000 लाते हैं आपका, तो 3 महीना चलेगा, कितना महीने, 3 महीना चलेगा, ठीक है, 4 3 ठीक है। अगर आप 4,000 लेते हैं पर मंथ का खर्चा है, तो इस हिसाब से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है फ्रेंड कि पूरे 12,000 को अगर आप खर्चा करते हैं पूरे साल में, चार महीने का देखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। और अगर इसे महीना वाली बांट दें कि आप एक एक हफ्ते में लेना चाहते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि आप उस पैसे का कितना आप निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं पहले ये समझा देता हूँ, हमने फ्रेंड बनाया कि मान चलो अगर एन इज़क्ल टू वन है, यानी कि एक बार में सारा पैसा निकाल लेते हैं, यानी कि 12,000 आपका कैश विड्रॉल है, 12,000 निकाल लेते हैं, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा साल लिख दिया मैंने, पूरे ईयर में आपने 12,000 एक बार में निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम देखेंगे कि तो एवरेज क्या निकलेगा, हमने y अपॉन 2 होता है फ्रेंड, इसको याद रखना है कि एवरेज निकालने के लिए y अपॉन 2 करना है हमेशा। जब y अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज 6,000 निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लेते हैं कि आप एक बार में 6,000 निकालते हैं, एक बार में 6,000 निकालते हैं, तो एवरेज आपका y अपॉन 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने 3,000 एवरेज आ जाएगा। तो हमने क्या मतलब, y अपॉन 2 का मतलब होता है कि आप 12,000 को दो बार में निकाल रहे हैं, तो 6,000 एवरेज आ गया। उसी 12,000 और उस 12,000 में से आपने 6,000 दो बार निकाला आपने, तो आपका एवरेज 3,000 आ गया। यानी कि y अपॉन 4 यानी कि 12,000 अपॉन 4, 12,000 को आप 4 से करेंगे तो 3,000 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बार आप जाएंगे वो आपका एवरेज हो जाएगा, तो आपको उतनी बार विजिट करना पड़ेगा। पूरा पैसा में एक बार, आधा पैसा को दो बार, 4,000 निकालेंगे तो 3 बार आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स थे जो आपको ATM पे या बैंक में विजिट करना पड़ेगा, इसको पहले समझ लीजिए। अच्छा, मेन हमारा कंसर्न है कि अगर आपने 12,000 निकाल लिया तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, कितना लॉस किया आपने इंटरेस्ट रेट का। अब उसका फार्मूला होता है फ्रेंड कि हमने यहाँ लिखा 2 है, अगर आप इसको बनाएंगे हम y अपॉन 2n, याद रखना जितनी बार आप जा रहे हैं, और प्लस y अपॉन 2 होता ही है, तो हम ये करेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट का लॉस कितना कर रहे हैं, R इंटू वाई अपॉन 2n एक फार्मूला होता है, ठीक। अच्छा, हमने कहा कि इंटरेस्ट रेट है 5%, ठीक है, तो 5 × 100 हो जाएगा। और अगर आप दो बार जाते हैं, अगर फ्रेंड आप एवरेज लिखेंगे 12,000 का दो बार जाएंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 2n 3,000 हो गया। सॉरी, अगर आप एक ही बार में निकालते हैं फ्रेंड पैसा, तो आपने 3,000 का लॉस किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर एक भी पैसा नहीं बचेगा, बैंक में रखते तो आपको 300 रुपया इंटरेस्ट मिलता। और अगर आपने दो बार में निकाला फ्रेंड, 6,000 निकालेंगे तो 6,000 निकालेंगे, बचा आपका 6,000, तो 6,000 जो निकाल लिया, आपको निकालना था सिर्फ 400 रुपये, यानी मतलब 300 निकाल सकते थे, 400 निकाल सकते थे, यानी कि आपने आधा पैसा निकाल लिया, आधा पैसा आपने बैंक में जमा किया। जब आपने 6,000 बैंक से डिपॉजिट किया, तो उस पर इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 150 का, यानी कि 150 का आपने लॉस किया। फिर अगर आप उसको 4 बार में निकालते हैं, तो आपका लॉस हो रहा है 100 रुपये का, 1,000 का। यानी कि फ्रेंड देखो, अगर आप एक बार में लेंगे तो ज़्यादा लॉस करेंगे आप इंटरेस्ट का लॉस, अगर दो बार मिलेंगे तो थोड़ा और इंटरेस्ट का लॉस, और तीसरी बार मिलेंगे तो इंटरेस्ट कम का लॉस करेंगे। यानी कि जब थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आपका लॉस कम होगा। तो ये इंटरेस्ट का लॉस है, अगर आपने पूरा पैसा निकाला तो 300 का लॉस कर रहे हैं, ठीक है, आधा पैसा निकाला तो 150 का लॉस कर रहे हैं, उसका 3 पार्ट निकाला तो 100 रुपये का लॉस कर रहे हैं,
तो बेटर ये होगा कि आप बैंक में पैसा रख दीजिए और टाइम टू टाइम निकाल लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब बोलोगे सर ये बताने का रीज़न क्या था? मेरा बताने का रीज़न है कि अगर आप बैंक में रखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा आपको, अगर आप, और डिपेंड करेगा कितना मिलेगा, कितना आप निकालते हैं। तो ये दोनों फ्रेंड दिखाते हैं कि एवरेज वाई अपान फोर हो जाएगा अगर 3000 निकालेंगे तो, ठीक है, एवरेज यानी कि वाई अपान टू से डिवाइड कर देना है कितना पहली बार निकालते हैं, इसको समझ लेना। अब मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड कि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट कैसे करेगा। अब बोलोगे कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर? कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपने अगर एक बार में पैसा निकाल लिया तो बैंक दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपका 300 रुपये का नुकसान हुआ। इसलिए 300 रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जब बैंक पैसा जाते हैं निकालने तो कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है, कैसे, आपका टाइम जाता है, तो उस टाइम पर आप कोई काम करते हैं तो काम करने का लॉस कितना हो रहा आपको बताते हैं। तो लिखो पहले कॉस्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट इज इक्वल टू होता है एम, इसको हमने एम से डिनोट किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ विड्रॉल, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल यानी कि विड्रॉल कर, पैसा विड्रॉल करने की कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉरगेन ड्यू टू द होल्डिंग कैश, दो चीज है। अगर आप कैश रखते हैं तो कितना आप लॉस कर रहे हैं, और अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कितना आपको पे करना पड़ रहा है, कितना आपकी कॉस्ट विड्रॉल करने की कॉस्ट जा रही है। देखो हमने पी वाई लिया हुआ है फ्रेंड्स, टोटल स्पेंडिंग ईयर, टोटल साल का आपका खर्चा कितना है पहले ये देखो। तो टोटल साल का खर्चा है 12000, ठीक है। अच्छा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रेंड 5%, नंबर ऑफ टिप्स बैंक, कितनी बार आपको ट्रिप लगता है बैंक, तो एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रिप ऑफ बैंक, कितनी बार आपको बैंक जाना पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स, एक बार बैंक जाने पर कितना आपको पेमेंट करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि मान के चलो आपको 15 मिनट लगता है बैंक में जाकर लाइन लगाने में, 15 मिनट आपको टाइम बर्बाद होता है, तो 15 मिनट अगर आपको एक घंटे का आपको 120 रुपये मिलता है तो 15 मिनट पे आपको कितना लॉस हुआ, 30 रुपये का, कितना लॉस हुआ, 30 रुपये का, ठीक है, तो 30 रुपीज का आपका लॉस हुआ। अगर ऐसे आप 4 बार जाएंगे, देखो आप पहली बार गए थे तो सिर्फ 30 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन उस आपका जो लॉस हुआ इंटरेस्ट का कितना, 300 का इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, लेकिन आप 30 रुपीज बचा रहे हैं, लेकिन लॉस कित 30 रुपीज यहाँ खर्चा हो रहा है क्योंकि आप जाके निकाल रहे हैं, और लेकिन अगर पूरा निकाल रहे हैं तो ये भी 300 का लॉस हो रहा है, तो 300 का लॉस यहाँ हुआ और प्लस 330 हो गया, ओके। और अगर आप आधा पैसा निकालते हैं फ्रेंड, 6000 निकालते हैं, तो 6000 निकालने के बाद आपको 2 बार जाना पड़ेगा 6000 निकालने, तो आपको 15 मिनट लगा, यानी कि आपका निकालने का खर्चा कितना हो गया, 60 रुपीज, ओके। लेकिन 60 रुपीज़ के साथ आप लॉस कितना कर रहे हैं, 150 रुपये का यहाँ पर, तो 150 इंटरेस्ट का लॉस किया आपने, और प्लस 60 रुपये आपको बैंक से पैसा निकालने का लॉस किया, तो कितना हो गया, 150 प्लस 60 यहाँ पर हुआ, 150 प्लस 60, ठीक है, पहली बार। तो दूसरी बार अगर तीसरी बार जाते हैं फ्रेंड तो आपको 90 रुपये आपको खर्चा करना पड़ रहा है, 3 बार जाते हैं तो 9 × 3 = 27, 270 रुपये, और प्लस लॉस कितना हो रहा है आपका, सिर्फ 100 रुपये, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है फ्रेंड कि पैसा तुम एक बार में निकालना चाहते हो या 2 बार में निकालना चाहते हो, 3 बार में निकालना चाहते हो, तो बेटर ये होगा कि आपको कॉस्ट को मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऐसे करना है कि अगर आपको लगता है
कि भाई हमारा लॉस ज़्यादा है तो एक बार में निकाल लीजिए, अगर लगता है कि हमें कम पैसे में काम चल रहा है तो कई बार जाइए और थोड़ा थोड़ा निकाल के लाइए, और उधर से आप इंटरेस्ट रेट भी मिलता जाएगा। नहीं समझ आया? बस सिंपल यही थ्योरी है बेटा, कि अगर दो चीज़ों में आपको मैनेज करना है कि आपको पैसा निकालने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है और प्लस आपका इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट कितना लॉस हो रहा है, तो दोनों को लॉस को हमने क्या किया फ्रेंड, जोड़ दिया। तो जो टोटल कॉस्ट का मैनेजमेंट ये है। ओके, ये क्लियर हुआ। अब तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट पे आते हैं, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको बातें क्लियर हो गई होगी। एवरेज मनी होल्डिंग वाई अपॉन टू एन होता है, हमने लिखा वाई अपॉन टू एन होता है, कितनी बार जाएगा वाई अपॉन टू को और जितनी बार जाएगा एन कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना लॉस हो रहा है, वो इंटरेस्ट रेट इंटू वाई अपॉन टू एन, वही चीज़ है यहाँ पर बताया कि इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स एफ इंटू एन, कितना आपका खर्चा हो रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स को फ्रेंड, एक दो तीन, इन तीनों फाइंड को इन्होंने बताया कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, कि हमने दोनों कॉस्ट को जोड़ दिया। ये है जो इंटरेस्ट रेट का लॉस हो रहा है और ये है जो आपका कॉस्ट ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल करने के लिए जो कॉस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मान के चलो फ्रेंड, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आप दो बार रखते हैं, 6000 रुपया निकाला आपने। अगर आपने 6000 निकाल लिया और 6000 बैंक में रख दिया, तो बैंक से आपको 6000 निकाल लिया है तो बैंक से कितना लॉस हो रहा है आपको, यहाँ पर लॉस हो रहा था आपका 150 रुपये का, ठीक है। और प्लस दो बार जाएंगे तो 30 रुपीज एक बार में पड़ रहा है, 90 रुपये, यानी कि कितना बड़ा फ्रेंड इसका, जोड़िए जो भी जोड़ लेना, 0 9 5 14, ठीक है, 240। कहने का मतलब फ्रेंड कि 240 रुपीस का आपकी टोटल जो कॉस्ट है होल्डिंग, 240 रुपीस हो गई। ओके, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हम और एक्सप्लोर कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो निकलेगा, इसको जीरो के केस में रखेंगे फ्रेंड तो वाई और एन एन टू एन हो जाएगा, और ये आई से इधर मल्टीप्लाई होगा, आई अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका फार्मूला ये बन गया फ्रेंड, ठीक है, जीरो के केस में। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर देंगे। कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का फार्मूला होता कि एन को आप इधर ले लेंगे बाहर बेटा जी, इसको अंदर वर्गमूल में कर लेंगे, फिर आई अपॉन वाई अपॉन टू एफ आएगा, लंबी प्रोसेस है, इसको समझ लेना, ठीक है। अब ये हमारा बन गया बेटा जी कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्वेशन से। तो याद रखना, एग्जाम में यूजीसी में कहीं भी एग्जाम में आता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन इक्वल टू होता है आई अपॉन वाई टू एफ। एफ क्या यहाँ पर है, कॉस्ट ऑफ विड्रॉल है। फिर है, अब बताओ इसका फंक्शन कैसे बना। इसका फंक्शन बना द मनी डिमांड फंक्शन। मनी डिमांड फंक्शन का मतलब हुआ कि मनी की डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है फ्रेंड। अब ये कह रहा है मनी की डिमांड जो कि डिपेंड करती है वाई के साथ, वाई पे, और एफ का मतलब होता है कितनी कॉस्ट पड़ रही है, अपॉन डिवाइड बाई टू टाइम इंटू इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इसी फार्मूले को हमने बढ़ा करके वाई एफ वाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी की डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है फ्रेंड, वाई के साथ पॉजिटिव है, यानी कि अब ट्रांजैक्शनरी मोटिव हमारा चेंज हो गया। हमने यहाँ ट्रांजैक्शनरी मोटिव बताया था सिर्फ वाई के साथ है, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शनरी मोटिव और ये मोटिव, दोनों मोटिव क्या हो गया, एक साथ हो गया। तो ये कहता कि ट्रांजैक्शनरी मोटिव हो गया रियल इनकम के साथ पॉजिटिव और इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव हो गया, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझा सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। आपको इस तरह से दिखाना है फ्रेंड कि मान के चलो आपका, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, आप मान के चलो यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड हम मनी की डिमांड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखते हैं
आपको कितना मिल रहा है, तो ये मनी की डिमांड हो गई जिसे हम एम अपान पी बोलेंगे, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इक्वल टू एल इक्वल टू आई वाई एफ। ये कहता है कि जब इनकम बढ़ेगी, जब इनकम के साथ, इनकम के साथ पॉजिटिव है, देखो देखो पहले मान चलो आर ये था, तो आप यहां पॉइंट पर इक्विलिब्रियम थे, अभी आर डिक्रीज हो गया तो मनी की डिमांड इतनी बढ़ गई, और अगर आर इंक्रीज हो गया तो मनी की जो डिमांड है वो कम हो गई, यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग अपने पास कैश कम रखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में रखेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग अपने पास कैश ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। यही चीज़ प्रूफ हुआ। दूसरा प्रूफ हुआ कि हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जब हमारी इनकम बढ़ जाए लेकिन आर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वाई के साथ हमारा यहाँ पर ई से ई टू पर यहाँ से यहाँ जाना, या यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, ये मनी की डिमांड का वाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आर के साथ नेगेटिव शो कर रहा है। तो फ्रेंड कुल मिला के कंक्लूजन वही निकला जो लोगों ने बताया, लेकिन इन्होंने बताया कि जो प्रिक्वेशनरी मोटिव है और ट्रांजेक्शनरी मोटिव है वो इनकम के साथ साथ वो भी जो है इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, और वो इनवर्स रिलेशन होता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इसने बताया कि किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को निकालता है, और किस तरह से वो कास्ट को निकालता है, विड्रॉल कास्ट को निकालता है, और कितना बंदा कैश रखेगा, कितना डिपॉजिट करेगा, तो इसी बोलते हैं इन्वेंट्रीज कितना रखेगा और कितना वो डिपॉजिट करेगा, इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मोटिव। आई होप्स कि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।